कुछ ही मिनट्स में जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग रहती है और आधे घंटे के बाद जो है वो ईवीएम्स की काउंटिंग रहती है। हर काउंटिंग के लिए स्ट्रांग रूम के साथ ही काउंटिंग हॉल बनाया गया है और पोस्टल बैलेट्स के लिए अलग से हॉल बनाया गया है। उन सभी में सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स हों या हमारा स्टाफ हो, उनके लिए प्रॉपर टेबल्स और उनके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं सब इंश्योर की गई हैं। सभी प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई भी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी ना रहे। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग जो हमारे चाहे वो काउंटिंग स्टाफ हो, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के काउंटिंग एजेंट्स हों, सभी लोग जो हैं वो अपनी अपनी सीट से बैठ रहे हैं और कुछ ही मिनट्स में ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जितनी भी यहाँ पे स्टाफ आता है उसके लिए आज ब्रेकफास्ट की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इसके साथ साथ मेडिकल टीम भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। मीडिया के लिए मीडिया सेंटर भी यहाँ पे खोला गया है, इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से लगातार यहाँ पे लगातार इंफॉर्मेशन का जो है डिसेमिनेशन होगा। काउंटिंग को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत किसी को परेशानी ना आए, इसके लिए भी सबको सेंसिटाइज किया गया है और हमारी पूरी कोशिश है कि काउंटिंग प्रोसेस स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट हो और फेयर हो और इसमें किसी भी को कोई दिक्कत ना आए और हमारा काउंटिंग जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। आज आपको जैसे पता है अंदर हमारा ऑलरेडी 3 tier सिक्योरिटी है और बाहर भी प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रखा है। सभी की कन्वीनियंस के लिए हमने वहाँ पे आइडेंटिफायर स्पॉटर्स रखे हैं और सबको जिस तरीके से हमने आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करवाए थे ताकि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो चेकिंग और फिस्किंग के दौरान, बाकी पूरे बंदोबस्त हमने सिक्योरिटी का रखा है ताकि किसी की भी किस्म का कोई चैलेंज आता है उसको फेस करने के लिए सभी तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रोसेस जो है पीसफुल रहेगा।